आ गए हैं करनाल में, और करनाल के मॉडल टाउन में, और भगवान वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है और वहाँ हम जा रहे हैं। ये है भगवान वाल्मीकि मंदिर, आप देख सकते हैं करनाल में मॉडल टाउन में। ये देखें बड़ा सुंदर जो है मंदिर है यहाँ पर। चलिए पूरा दिखाते हैं आपको। सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, और काफी ऊंचाई पे जो है ये भगवान वाल्मीकि जी की जो है प्रतिमा है। ये प्रतिमा जो है वो गोल्डन गोल्ड में है, आप देख सकते हैं अष्ट धातु से जो है वो बनाई हुई है। और जो यहाँ धर्मज्ञ हैं, यहाँ देख सकते हैं ये सभी जो है यहाँ सेवक हैं जी। क्या नाम है? जोगिंदर जी। अभी रास्ते से जा रहे थे तो मंदिर जो है ये हमने देखा, तो बड़ी खुशी हुई। बड़े अच्छे तरीके से जो है मंदिर को बनाया है, बड़े अच्छा डिजाइन किया हुआ है। करनाल मॉडल टाउन के अंदर है जी। संस्था का क्या नाम है जो इसका केयर टेकर है? जी, यहाँ पे संस्था का नाम है भगवान वाल्मीकि युवा शक्ति सभा जी, जो कि अपने कार्य पे बहुत ही सालों से काम कर रही है 2000 से। और मंदिर का निर्माण जो नव निर्माण किया गया वो 2010 में किया गया। 2010 में निर्माण हुआ जी। पहले से ही मंदिर था प्राचीन, तो इसका नव निर्माण किया गया। अगर आपने इतनी ऊंचाई पे प्रतिमा को जो है वो परमात्मा की रखा, काफी सीढ़ियां जो है वो चढ़कर आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, सुंदर लगा। और आप ऐसी सेवा करते रहे, और परमात्मा की प्रतिमा आप देख सकते हैं अष्ट धातु से जो है ये बनी है, ये देख सकते हैं। तो देखिए संत शिरोमणि रविदास जी की भी यहाँ पर प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थित है, और अभी बाबा साहब की हम आपको दिखाएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रतिमा यहाँ पर। देखते हैं कैसे जागरूकता जो है वो आ रही है, आप देख सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लोग जो है वो मंदिरों में स्थापित कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही है कि भगवान वाल्मीकि जी आस्था है और बाबा साहब जो है वो रास्ता है। देख सकते हैं आप लोग सेवादार है वो यहाँ पर खड़े हैं, और दीपक जी दिल्ली से हैं, राजेश वैद्य जी ये करनाल से हैं। सर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो साथियों को सभी को जय वाल्मीकि, और मैं आप जागो समाज चैनल का सुनील अंजाला जी का साथ में आए दीपक जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आश्रम के ऊपर अभिनंदन करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जो आश्रम की जो साथियों की मेहनत है, जो देश के अंदर विदेश के अंदर बैठे हुए साथियों तक पहुँची, आपने पहुँचाई है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। क्योंकि आज आप किसी पर्सनल किसी घरेलू कार्य के अंदर आए हुए थे, तो आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। धन्यवाद आप सभी का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद जी। दीपक जी क्या लगा आपको, आप इतना सुंदर मंदिर आपने देखा करनाल में, भगवान वाल्मीकि चौक भी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक हैं करनाल के अंदर, क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं करनाल में तो वैसे काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं वैद्य साहब का धन्यवाद मानूँ, इन्होंने मुझे मंदिर बताया, तो हम यहाँ से रोड से निकल रहे थे तो मैं बड़गांव मंदिर हमने देखना है, और ये बहुत खूबसूरत बहुत भव्य जो मंदिर बनाया है परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का, बड़ी खुशी होती है कि समाज आज इतने ऊंचे लेवल पर चल रहा है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा रख रहा है। मैं करनाल वासियों जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की ओर से, और जागरूक समाज चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप जो कार्य करते हैं वाल्मीकि समाज के लिए, दलित समाज के लिए। अंजना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप दलित समाज के जो अपने
वक्ता से अपने चैनल के माध्यम से जो सब लोगों को उठा रहे हैं, सबकी आवाज उठाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइनिंग जो है यहाँ पर की हुई है और जागरूकता जो है वो धीरे धीरे आ रही है। इससे बड़ी खुशी की बात है हमें, क्योंकि जो लोग कभी वाल्मीकि समाज के लोग जो कभी जानते नहीं थे कि बाबा साहब कौन हैं, संत शिरोमणि रविदास जी कौन हैं और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मंदिरों में बाबा साहब को स्थापित करने लगे हैं, ये बड़ी अच्छी बात लगी। चलिए धन्यवाद इसी के साथ आप सभी का।